ये यहाँ पे छुप छुप के देख रहा गाड़ी के गाड़ी गाड़ी के निकल के अभी पहुंच गए हैं मिस्ट्री वाला। तो ये देखो इसका तमाशा देखो, गाड़ी के आगे खड़ा हो गया, कहता मेरा फोन दे दो, फोन ये है मेरे पास, मैं फोन दे नहीं रहा इसको, मैंने इसने बाकी ये इस यहाँ पे रोड खाली दिख रही है मुझे, टॉप टॉप जा रही है 80-90 और गाइस गुरुद्वारा देख सकते हो यहाँ पे, मतलब तगड़े वाला गुरुद्वारा यार, मतलब मस्त बनाया मिश्री वाला में इन्होंने। चनाब ब्रिज पे पहुंच गए, अभी देख सकते हो ये चनाब ब्रिज है और सेम ही होगा कि कैसा है, अभी वो टर्न देख रहे होंगे आप, मतलब वहां से गाड़ियां आ रही है नीचे उस टर्न से, अभी हमने यहाँ से यू टर्न लेके जाना है, मैं यहाँ से आपको दिखाऊंगा ऊपर से ना। मंदिर के पास माथा टेक लिया अपना, अभी चलते हैं, यह है मंदिर और यहाँ की मार्केट है पामला, और अभी माथा ये आपको देख सकते हो, ये है दरिया कालाकोट का दरिया, तो बाकी तो है ही है। ये रही गाड़ी, चेक करो अपनी, रुक के 10 मिनट के लिए, बोलेगा नहीं, नहीं बोलेगा, कुकड़ छुप छुप के देख रहे हैं है? जैसे वो नहीं छुपता। क्या मस्त लोकेशन है, मतलब कि ये पूरा एरिया, ये पूरी रोड वो जाती है पुंछ को, पूरी पुंछ, और पुंछ उसकी साइड चला गया, मेंढर हमारा इस साइड चला गया और बीजी रह गया वो पीछे, देख सकते हो ये रहा बीजी जहाँ से चारू रोड। तो गाइस अभी मेंढर भी पहुँचने वाला हूँ और यहाँ की वाइब्स देखो, लुक डरी है, क्या मस्त रोड बनाई है, ऊपर से मौसम देखो एकदम ठंडा ठंडा, लोकेशन चेक करो यार, बाकी छोड़ो। मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब, आई हो सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज के दिन की हमारी शुरुआत हो रही है, घर के लिए रेडी हो गया हूँ, अभी निकलने लगा हूँ। तो अभी मैं तो निकल रहा हूँ लेकिन ये मेरा यहाँ पे वेट कर रहा है, अभी खड़ा है यहीं पे, कहता छुप छुप के देख रहा है मेरे को, क्योंकि इसका मैं फ़ोन लेके आ गया हूँ, मैं इसको, इसने मुझे बोला था कि मैं भी जाऊँगा तेरे साथ, तो ये तो नहीं जा रहा, इसने मुझे खज्जल कर दिया आज, तो आज इसको मैं खज्जल करके जाऊँगा, इसका फ़ोन लेके जाऊँगा, लेकिन फ़ोन नहीं देना इसको, अभी फ़ोन के लिए खड़ा है सामने देख सकते हो, चुप चुप के देख रहा है मुझे। तो चलो निकलते हैं, पापा भी पुरखू हैं, उनको लेना है पुरखू से, तो अभी निकलते हैं फटाफट, टीवी का आ रहा, उसका वेट कर रहा हूँ, बस वो 2 मिनट में आएगा, तो फिर निकलते हैं, फिर मिलते हैं आपको रास्ते में, दिन की दिखाते हैं आपको कैसा है पुंछ कैसा नहीं है। तो ये यहाँ पे छुप छुप के देख रहा है गाड़ी के गाड़ी ये देखो इसका तमाशा देखो, गाड़ी के आगे खड़ा हो गया, कहता मेरा फोन दे दो, फोन ये है मेरे पास, मैं फोन दे नहीं रहा इसको, मैंने, इसने मुझे बोला था मैं जम्मू चलूंगा पुंछ भी, इसने मुझे खज्जल किया आज, इसको मैं खज्जल करके जा रहा हूँ, नहीं जाना, देख सकते हो, देखो गाड़ी के सब पंगे कर रहा है बच्चों की तरह। तो चलो निकलते हैं, इसको देते हैं फोन, फिर निकलते हैं हम भी। तो ये देखो फोन लेके जा रहा है, निकल गए हैं घर से, आ गए मेन रोड पे, और ट्रैफिक आज सुबह सुबह इतनी ज्यादा है कि क्या बोलें। तो अभी पुरखू पहुंचने में शायद 15 से 20 मिनट लगेंगे, फिर पापा को लेना है, फिर निकलेंगे आगे के लिए, देखते हैं फिर कितना टाइम लगता है, क्योंकि रोड भी खराब है, अब देखते हैं कितना टाइम लगेगा घर पहुंचते, क्योंकि अभी बज गए हैं 10 पूरे 10 बजे घर से, यहाँ से निकले हैं, तो ऐसे तो पहले 6 घंटे लगते थे, अभी कितने लगेंगे कुछ नहीं कह सकता, मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मुझे भी गए हुए अब 4 से 5 महीने होने लगे, देखते हैं कितना टाइम लगता है। और रोड का काम लगा हुआ है, बस बीच बीच में यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, बीच में अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो जहाँ पे कंप्लीट हुआ है वो तो पार्ट आपको दिख जाएगा, जहाँ पे नहीं हुआ है तो वो भी दिख जाएगा। लेकिन तो निकल गए, अभी पहुँच गए हैं मिस्ट्री वाला, तो अभी देखते हैं आगे कैसी ना, और गर्मी बहुत ज़्यादा है यार आज, तगड़े वाली गर्मी है, बाकी ये यहाँ पे रोड खाली दिख रही है मुझे, टॉप टॉप जा रही है 80-90 हाईवे के मज़े ही यही हैं। तो अभी देखते हैं आगे जहाँ रुकेंगे फिर दिखाएंगे आपको एरिया भी, बाकी तो ऐसे ही दिखता है यहाँ पे, रोड ही रोड है बस, रोड बन रही है, कहीं टूटी हुई है, कहीं बनी हुई है, तो आगे का प्रोग्राम देखते हैं। और गाइस गुरुद्वारा देख सकते हो यहाँ पे, मतलब तगड़े वाला गुरुद्वारा यार, मतलब मस्त बनाया मिश्री वाला में इन्होंने।
तो गाइस पहुंच गए हैं अखनूर पुल से पहले, कि अभी हमें यहाँ से हो जाना है राइट, क्योंकि हमने अंदर नहीं जाना, हमने जाना है बारो बार। ये चला गया अखनूर अंदर को, जो पुराने वाला पुल होता था हमने जाना है बारो बार। और यहाँ पे भी हाईवे बन गई हुई है, और अभी दिखाते हैं आपको यहाँ की हाईवे, क्योंकि रोड का काम लगा हुआ था, अभी ये कम्प्लीट नहीं हुआ यहाँ से। और इसको शॉर्टकट इन्होंने निकाल, ये वाला एरिया ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वहाँ से इन्होंने ना राइट कर दिया है नीचे की तरफ, लेफ्ट की तरफ वहाँ से निकलेगा रास्ता ये। अब अभी दिखाता हूँ आपको आगे से भी इसको। और ये पुराना बोर्ड होता था, अब हमने यहाँ से लेफ्ट हो जाना है, अब सीधा हाईवे यहाँ से निकलेगा। ये बैरिकेड लगा के इन्होंने बंद किया हुआ अभी, और यहाँ पे पुल बनेगा तभी जाके चलेगा ही। ये आ गया हाईवे, चलो पुल दिखाऊंगा अभी आपको, ब्रिज जो है अखनूर ब्रिज। चनाब ब्रिज पे पहुंच गए, अभी देख सकते हैं ये चनाब ब्रिज है, और सेम यही सेम पुल डोडा पुल पे ही बना हुआ है, क्योंकि वहाँ पे भी ऐसे पुल बनाया हुआ उन्होंने दो पिलर्स पे। तो अभी हम मिलते हैं आपको आगे, क्योंकि आगे कुछ नज़ारा ही अलग होगा। तो अभी यहाँ पे आइसक्रीम मिलती है, आइसक्रीम पहले खाते हैं यार, क्योंकि गर्मी है, गर्मी में थोड़ा ठंडक होनी चाहिए। अच्छा ऐसी जगह पहुँचा हूँ, ऐसे लग रहा होगा कि पेड़ पूरे रोड के ऊपर हैं, मैं उसके नीचे से हम जा रहे हैं, लेकिन दिख तो मुझे भी ऐसा ही रहा है, बिल्कुल सीधी रोड और नज़ारे भरा दिन, और ऊपर से बारिश का मौसम बन गया है, वाह क्या नज़ारा है यार। मतलब कि छुट्टी का वैल्यू है ही है, छुट्टी करोगे माइंड फ्रेश होगा, कहीं बाहर अंदर जाओगे, पर यहाँ पे तो मस्ती है। बाकी तो आप देख ही सकते हो। तो चलो आगे भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि आगे भी नज़ारेदार जगह आने वाली हैं, क्योंकि अभी मैं टांडा क्रॉस कर रहा हूँ, टांडा के बाद आएगा फिर चौकी चौरा, फिर जाके कालीतर, और फिर मंदिर, फिर सुंदरबनी। अभी थोड़ा हमारा सफ़र जो है वो लंबा है, लेकिन दिखाएंगे आपको भी। बादल ही बादल छाए हुए हैं भाई, बादल ही बादल, और ट्रक वाले तो अपनी स्पीड में चढ़ रहे हैं, क्योंकि चढ़ाई है ऊपर से। तो चलो दिखाते हैं आगे भी आप। अब मैं पहुंचा हूँ ऐसी जगह पे, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसा है। अभी वो टर्न देख रहे होंगे आप, तो वहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं नीचे, उस टर्न से अभी हमने यहाँ से यू टर्न लेके जाना है। मैं यहाँ से आपको दिखाऊंगा ऊपर से ना पूरा एरिया, कि जम्मू की सड़क पे है तो हम किस सड़क जा रहे हैं, और ये हरियाली देखो यार, मतलब ये चेक करो, और हिल एरिया में जाने का तो आपको पता ही है। फिर ओले ये भी खुल गई यहाँ पे, ये कुछ ऐसे मोड़ हैं खतरनाक वाले। वहां से हम आए थे यहाँ पहुंच गए, चेक करो सबसे खतरनाक वाले मोड़ अभी अब स्टार्ट हो गए, और हिल एरिया जो यहाँ पे आया है उसको तो पता ही होगा, जो नहीं आया वो उनके लिए तो एक चेक करने वाली जगह है। देख सकते हो दूर दूर तक। तो गैस कुछ ऐसी जगह पहुंचा हूँ, यहाँ पे रोड का काम ना बड़ी जोरों शोरों से लगा हुआ है, और दिखाता हूँ यहाँ पे ना एक टनल बन रही है, बस वाले ने तो हाहाकार मचाता जा रहा है यार। भाई साहब इधर तो बंदा आएगा तो पाउडर की जरूरत ही नहीं है, इन्होंने पाउडर फ्री कर दिया। और यहाँ से टनल बन रही है, मतलब यहाँ से ऊपर से रोड नहीं जाएगी, यहाँ से नीचे से जाएगी, देख सकते हो सामने नीचे टनल बन रही है, ये नीचे से टनल बन रही है,
वो टनल ये आगे से आके निकलेगी, ये मोड़ खत्म हो जाएगा, इसके ऊपर चढ़ाई है इतनी खतरनाक वाली, वो खत्म हो जाएगी। चलो अच्छी बात है, ये खत्म हो जाएगी खतरनाक वाले मोड़। ये वाले मोड़ खतरनाक वाले, खतरनाक भाई साहब। ये पूरे हिमाचल वाले मुझे याद आने लगे, हिमाचल में ऐसे पूरे हैं। लेकिन अब ये खत्म हो जाएगा, टोटली खत्म हो जाएगा। कुछ सब्जी के लेने के लिए सब्जी यहाँ से ले ली अपनी घर के लिए, और कुछ खाने के लिए लेना था वो भी ले लिया। तो बारिश का पूरा प्रोग्राम बना हुआ है, अभी निकलते हैं यहाँ से लेट ना हो जाए। तो चलो मिलते हैं आपको रास्ते में। मंदिर आ गया, अभी यहाँ पे माथा टेकेंगे, उसके बाद आगे के लिए निकलेंगे। तो दिखाते हैं आपको मंदिर भी। ये मंदिर के पास हम पहुँच गए हैं, अभी चलेंगे मंदिर में भी, वो भी दिखाते हैं आपको, माथा भी टेक लेते हैं। क्योंकि जब भी आईदा मतलब कि यहाँ पे मंदिर में माथा जरूर टेके। ये मंदिर आ गया हमारा, माथा टेकते हैं मंदिर के पास, माथा टेक लिया अपना, अभी चलते हैं। यह है मंदिर और यहाँ की मार्केट है पामला, और अभी माथा टेक लिया, अभी निकलते हैं आगे के लिए। इसने लिए हैं ब्रेड मंकी को डालने के लिए, तो चलो निकलते हैं। इसने मंकी के लिए ब्रेड ले ली, तो अभी आगे डालेंगे, तब तक निकलते हैं, फिर मिलते हैं आपको रास्ते में। और भी हैं बुला यार। तो गाइस आज डाल रहे हैं ब्रेड, क्योंकि आज इनको भी नंद ले लेते हैं ब्रेड डाल के। वो तो आ नहीं रहे, देखते हैं आगे भी मिलेंगे, आगे भी डाल देते हैं। सूत्र तू यार पागल वाले काम क्यों कर रहे, थोड़े आगे हंसते रहने दे तो गाइस इनको डाल दी ब्रेड, तो अभी ये भी डाल के आ रहा है वापस। तो चलो अभी निकलते हैं, क्योंकि इन ये तो खुश हो गए, अब हम निकलते हैं अभी। तो देखते हैं अभी आगे क्या सिचुएशन रहती है, कैसी नहीं। तो इनको तो डाल दी, अभी ये खा के मस्त हो गए, अभी हम निकलते हैं। हम पहुंच गए हैं कुछ ऐसी जगह पर कालीदास से होके, क्योंकि यहाँ पर टनल बन रही है। एक बार पहले लास्ट टाइम भी दिखाया था आपको, ये टनल बन रही है तगड़े वाली, देख सकते हो आप, खतरनाक वाली टनल बन रही है। और यहाँ से हमारा रास्ता शॉर्ट हो जाएगा, बोलो अच्छा है, ये वाली रोड ख़त्म हो जाएंगे बिल्कुल ही, और एकदम सेम शॉर्टकट रास्ता है। ये देखो यहाँ से बन रही है टनल, बन शायद सिंगल ही ले रहा है, लेकिन अच्छा है, जैसे नाशरी में बनी हुई है वैसी लंबी टनल है ये भी। लेकिन ये मेरे हिसाब से होगी कोई 5-6 किलोमीटर, वो 9 या 10 किलोमीटर की, ये 5-6 किलोमीटर की बनेगी। और रोड का काम तो जोरों शोरों से लगा हुआ है, क्योंकि आगे से मैंने रूट चेंज कर देना है, कि जिस साइड पक्की रोड है मैंने उधर से जाऊंगा, क्योंकि वो सिर्फ रास्ता पता है तभी, अदरवाइज लोग जाते बहुत कम है उस रोड से। तो अभी देख सकते हो यहाँ पे रोड की क्या हालत है, क्या बुरी दशा है। तो इसलिए इस रोड से नहीं, इस रोड को मैं छोड़ दूंगा, दूसरी रोड पर चला जाऊँगा सुंदरबनी क्रॉस करते ही। पहुँच गए हैं सुंदरबनी, ये सुंदरबनी सीधी मार्केट चली गई, हमने यहाँ से राइट हो जाना है हाईवे पे, क्योंकि हमने अंदर नहीं जाना। तो अभी निकलते हैं हम आगे के लिए। तो गाइस अभी रुके थे यहाँ पे, तो कुछ गर्मी ज़्यादा थी उस वजह से मैंने कहा आइसक्रीम के लिए रुके थे, आइसक्रीम तो मिली नहीं, फिर कुल्फ़ी मिल गई, अभी यहाँ पे खाई है कुल्फ़ी खोए वाली। तो देख सकते हो यार मौसम एकदम से वो बना हुआ था, लेकिन अभी धूप है ख़तरनाक वाली और गर्मी। तो अभी निकलते हैं आगे के लिए खा के, क्योंकि सफ़र बहुत लंबा है, देखते हैं कैसा रहता है। तो गाइस यहाँ से मुझे लेना है अलग रूट, यहाँ से अलग हो जाना है, क्योंकि हमने आगे नहीं जाना, आगे रोड का काम लगा हुआ है और बुरी दशा आ गई ना, इसलिए यहाँ से जाएंगे हम सिंगल रोड से, सिंगल वे से। ये सिंगल रोड है अंदर,
जो कि ठंडा पानी से अलग हो जाती है सुंदरबनी से, पहले ना सुंदरबनी क्रॉस करते ही ठंडा पानी आता है वहां से। अभी हमने इस रोड से जाना है क्योंकि इस रोड पे ट्रैफिक भी नहीं होती और दूसरा आराम से निकल भी जाता है बंदा, और एक तो पेड़ों के छांव में ठंडी ठंडी, गर्मी तो बहुत ज़्यादा आज इधर भी, लेकिन चलो तो दिखाते हैं आपको सारा रास्ता आज इधर का भी कैसा रूट है। तो ये सिंगल रोड है, आधी कोई 20 किलोमीटर तक सिंगल है, उसके बाद आपकी फिर से डबल रोड आ जाएगी। तब तक चलते हैं अपने संतुलन पे, जगह पे मतलब रास्ते में रुका हूँ कुछ मिनट का, तो रेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा फ्रेश हो लेते हैं बाहर की हवा से। और यहाँ पे देख सकते हो आप दूर दूर तक ना ऐसी रोड है, और वो सामने एक रोड जा रही है, ये कोई लिंक रोड ही है जहाँ तक मुझे लग रहा है। और ये आपको देख सकते हो, ये है दरिया, कालाकोट का दरिया। तो बाकी तो है ही है, ये रही गाड़ी चेक करो अपनी, रुक के 10 मिनट के लिए, मैंने थोड़ा रेस्ट कर साथ में ना, सिर दर्द हो रही है मेरे को, मैंने कहा क्योंकि कुछ खाया मैंने अभी, तो मैंने कहा अभी कुछ टैबलेट खा लेता हूँ क्योंकि नहीं तो घर तक बहुत बुरी हालत चल रही है। तो गर्मी थी पीछे बहुत ज़्यादा, अभी तो नहीं है लेकिन पीछे बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो अभी नीचे देख सकते हो यहाँ पे मकान भी है यार, मतलब यहाँ लोगों के मकान भी बने नीचे वाली साइड, और सामने मोहल्ला है। यहाँ की वाइब्स ही कुछ अलग है यार, कालाकोट की तो वाइब्स ही, मतलब आप लोग आए नहीं होंगे, जो लोग आए हैं उन्होंने देखा हुआ है कि कैसा है कैसा नहीं है। तो निकलते हैं आगे, टाइम वेस्ट नहीं करते, 10 मिनट रुकते हैं फिर उसके बाद निकलते हैं, फिर आपको दिखाएंगे आगे भी, क्योंकि आज घर ही जाना है, पहले दीदी के घर भी जाना है, फिर वहाँ से होके निकलना है घर के लिए। तो मिलते हैं आपको रास्ते में। तो गाइस अभी पहुँचा हूँ कालाकोट बाज़ार में सिटी, ये है कालाकोट, छोटी सी सिटी है, आज से 10 साल पहले भी ये, 20 साल पहले भी इतनी थी, तो आज भी उतनी ही है, ना कम हुई तो ना ज़्यादा हुई। गाइस अभी पहुँचा हूँ कालाकोट क्रॉस करके आगे, यहाँ पे आता है मेरे बूजी का घर। तो अभी इस रोड से आया हूँ ये वाली, पहले तो यहाँ पे जंगल ही जंगल होता, अभी तो ये नीचे दिख रही होगी आपको रोड बन गई है। पहले यहाँ पे हम पीछे से पैदल जाते थे वहाँ से नीचे, और बुजी का घर पता कितनी दूर है, लास्ट टाइम भी मैंने दिखाया था आपको ये वाला घर है, मेरा उंगली दिख रही, ये वाला घर है, ये वाइट वाला, तो वो घर है इनका। तो अभी पहले हम यहाँ से पैदल जाते थे नीचे, मतलब 10-12 साल पहले तो पैदल ही जाते थे। अभी का स्टेटस ये रहता है कि अभी लोग तत्ता पानी से होके आते हैं उस सड़क से, तो यहाँ से चले जाते हैं, या फिर यहाँ से आजकल गाड़ी जाती है नीचे, तो आपको शॉर्टकट वहाँ तक जा सकती हो लास्ट एंड तक, तो वहाँ से आप गाड़ी पे जा सकते, वहाँ तक अपनी गाड़ी लेके जा सकते। तो चलो अभी अपनी पापा भी उतरे हैं अभी बाहर चक्कर लगाने के लिए, गाड़ी अपनी लगी हुई है, तो मौसम पूरा बारिश वाला बना हुआ है लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है आज। तो अभी निकलते हैं आगे के लिए, फिर देखते हैं, इसको दिखाना था घर, कैसा लगा घर, दिखा कितनी पास है, बहुत दूर है गाइस, तो इसको अभी दिखाता हूँ अच्छे से, फिर निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस कुछ ऐसी लोकेशन है, बारिश हो नहीं रही है और गर्मी इतनी खतरनाक वाली है, और हरियाली देखो यार, बाकी सब अलग चलता है लेकिन हरियाली, अगर बारिश होगी तो उसके बाद कितनी ठंड होगी वो बताओ, ठंडा मौसम हो जाएगा फिर, आगे पीछे पेड़ ही पेड़, जंगल ही जंगल, मतलब कि जंगल को भी बचाया हुआ है गवर्नमेंट ने, तभी हम लोग भी बचे पड़े हैं अभी थोड़े बहुत। अभी जो देख सकते हो रोड का क्या हाल है, और जिस रोड से हमने नहीं आए वो सामने दिख रही होगी आपको, मतलब कि उस रोड अभी काम लगा हुआ है तगड़े साहब का। अभी हम इस रोड से आए, अभी मैं रजौरी एंटर, टांगरी पुल क्रॉस किया, मतलब रजौरी में एंटर कर चुका हूँ। तो मिलते हैं आपको दीदी के घर पे पहुँचते हैं फिर। ये आ गया टांगरी पुल, वो रही वो सामने रोड, अभी हमें यहाँ से जाना है राइट रजौरी की तरफ, रजौरी से होके सीधा मैंडर, मिलते हैं आपको रास्ते में।
अभी पहुंचे हैं दीदी के घर पे, और गाड़ी की बहुत बुरी कंडीशन हो गई है। मतलब इतना रास्ता ख़राब है, धूल से। कल ही मैंने दिलवाई है, और कल ही इस गाड़ी की वॉशिंग करवाई थी अच्छे से। क्या हालत बन गई है, देखो फ्रंट शीशे की हालत। शिट, इसको फिर से धुलवाना पड़ेगा जम्मू जाके। तो अभी चलते हैं उनके घर पे, उनका रास्ता यहाँ से जाता है नीचे। जल्दी आ जा, तो चलते हैं 10 मिनट। ओके, फिर निकलना है हमें। हेलो नहीं करनी, हेलो नहीं करनी। तू हेलो, इसको नीचे रखना, इसको नीचे छोड़ दे। नहीं, क्यों छोड़ दे इसको नीचे? मुझे नहीं छोड़ने लगा। क्यों? आजा आजा आजा। क्यों नहीं छोड़ने लगा? हैं, तुझे खुद चला नहीं जाता, इसको कहाँ से उठाएगी? इसको इसको कहाँ से उठाएगी? हैं, उठा लेती हूँ। अब उतर जा। अब क्यों? वो भाग गया, भाग गया, भाग गया, भाग गया। भाग के कहाँ जा रहा है? क्यों भाग रहा है? हैं, भाग के क्यों जा रहा है? हैं, भाग के कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? बोल ना, भाग गया यार तू, तो बता ही नहीं रहा कहाँ जा रहा है। बोलेगा नहीं, नहीं बोलेगा। कुकड़ छुप छुप के देख रहा है, हैं? कुकड़ जैसे वो नहीं छुपता बच्चा, नहीं? तेरे पीछे क्यों छुप रहा है? हैं, नहीं दिख, कभी इधर से देख रहा है, कभी इधर से देख रहा है, चक्कर क्या है इसको? वैसे चोरी से तो निकल गया हूँ, अभी रोड का लगा हुआ काम जोरों शोरों से, और आगे भी रोड पूरी ख़राब है। और गाइस एक ना सीन हो गया, सीन ही हो गया कि गाड़ी का ना शीशा टूट गया, मिरर टूट गया, देख सकते हो यार। पत्थर किसी ने मारा है रात को शायद, तो वो थोड़ा सा लग रहा था क्रैक। अभी जैसे ये खड्डे हैं तो इनमें गाड़ी आगे पीछे होते होते तो अब वो क्रैक यहाँ तक पहुँच गया, मतलब कि लंबे वाला क्रैक हो गया इसको। देखते हैं जम्मू पहुँचते पहुँचते ये कितना हो जाता है, अब पता नहीं। जम्मू पहुँच के देखते हैं, नहीं तो शीशा चेंज कराना पड़ेगा ये, कि अच्छा नहीं लग रहा। अगर इतना ही रहेगा तो चलेगा, अगर इससे ज़्यादा जाएगा तो फिर चेंज ही कराना पड़ेगा। तो बाकी देखते हैं अभी कितना होता है कितना नहीं होता। नुकसान तो हो गया जो मैं, किसने मारा किसने नहीं मारा, एक ये देखिए। तो चलो यहाँ की वाइब्स देख लो भाई, क्या ही वाइब्स हैं। हिल एरिया, दुनिया कहती हिल में जाना, हिल में जाना, ये हिल एरिया है। मुझे घूम के यहाँ पे आना है वापस, यहाँ पे। आगे आपको ये रोड के ना डाइवर्शन अलग अलग, अब जो न्यू रोड बनेगी तो यहाँ से बनेगी, पुराने वाली ये जा रही है। मतलब कि रोड है सारी अलग अलग कर दी है इन्होंने, अब जब कंप्लीट होगी तभी पता चलेगा कि कहाँ से कौन सी निकलेगी। तो कैसे अभी पहुँच गया हम बीची, देख सकते हो यहाँ पे इसका एरो लगा हुआ। अब यहाँ पे मैंने शीशे खोल दिए क्योंकि यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और मौसम भी कहीं लग रहा है कि कहीं बारिश हुई है, उस वजह से थोड़ी ठंडी हवा चल रही है। आगे आपको चौक भी दिखा दें जो बीजी से मैन पुंछ की, मैंडर की और बालाकोट की, और जम्मू के लिए रोड निकलती हैं, वो भी दिखाते हैं। तो चलो पहुँचते हैं। पहुंच गया हूँ बीजी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, और मेरे को सिर दर्द हो रही थी, अभी मैंने टैबलेट खाई और थोड़ा सा सिर दबाया, उस वजह से मेरा थोड़ा सिर ठीक हुआ। तो अभी यहाँ पे पहुँचा हूँ, ये है हमारा बीजी का टीवी टावर, देख सकते हो यहाँ पे, और यहाँ से नीचे की लोकेशन देखो यार, क्या मस्त लोकेशन है। मतलब कि ये पूरा एरिया, ये
पूरी रोड वो जाती है पुंछ को, पूरी पुंछ, और पुंछ उसकी साइड चला गया, मेंढर हमारा इस साइड चला गया, और बीजी रह गया वो पीछे, देख सकते हो ये रहा बीजी, जहाँ से चारू रोडें एक हो जाती है राइट पुंछ के लिए, सीधी आ जाती है मेंढर के लिए, और लेफ्ट जो जाती है वो बालाकोट के लिए, और सीधी यहाँ से अगर मैं वापस जाऊँगा तो सीधे जम्मू के लिए। और ये जंगल देख सकते हो आप, जो अभी पीछे इनकाउंटर्स चल रहे थे वो इसी जंगल में चल रहे थे। और ये एरिया है, ये हमारा अड़ी अरनी हो गया, और इसके बैक साइड पे पुंछ पड़ता है, सुरमकोट पुंछ। तो चलो अभी निकलते हैं हम घर के लिए, क्योंकि सिर दर्द हो रही है, और घर पे पहुंचते हैं फटाफट, और फिर देखते हैं कैसा रहता है, क्या रहता है, क्योंकि घर पहुंचना जल्दी है। और यहाँ से ऊपर से झरना भी आता है भाई, अभी तो बारिश नहीं हुई है लेकिन मौसम थोड़ा ठंडा हो गया अभी। तो गाइस अभी मेंढर भी पहुँचने वाला हूँ, और यहाँ की वाइब्स देखो, लुक डली है, क्या मस्त रोड बनाई है, ऊपर से मौसम देखो एकदम ठंडा ठंडा। लोकेशन चेक करो यार, बाकी छोड़ो, बाकी मेंढर पहुंचते हैं तो वो भी दिखाएंगे आपको, लेकिन यहाँ की वाइब्स चेक कर लो। वाइब्स तो आपने देख ही लिए होंगी बाहर की, क्या नज़ारे हैं। शीशा मेरा साफ नहीं है इस वजह से अंदर से सही दिख नहीं रहा, ये धूल की वजह से पूरा गंदा हुआ पड़ा है, देख लो। एकदम मस्त रोड है, अभी मैंने यू टर्न लेके यहाँ से नीचे से जाना है। फाइनली गाइस घर पहुँच गए, अभी जस्ट अभी बजे हैं 7:15, तो अभी पहुँचे घर पे, और घर की लोकेशन ये है गाइस, बाकी तो आपको सुबह दिखाऊंगा, लेकिन ये है मेरे घर की लोकेशन। ये गाड़ी पार्क हो गई और ये आ गया, तो चलो चलते हैं अंदर, ये है अपने मकान, गाड़ी पार्क कर दी, तो चलते हैं अभी अंदर, बाकी देखते हैं क्या रहता है शाम को। तो आज के दिन की शुरुआत हो गई ख़त्म, अभी बहुत थकावट हो चुकी है, तो मिलेंगे कल सुबह नए ब्लॉग के साथ, नए दिन के साथ और नई शुरुआत के साथ। आज के लिए बाय बाय, टेक केयर, शब्बत है।